स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माइनिंग आइकन। आज मैं माइंस में जितने भी तरह के पीरियडिक इंस्पेक्शन होता है उसका एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। अभी तक सीआईएल में जितने भी तरह के एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, उस सब एग्जाम में पीरियडिक इंस्पेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। टॉपिक का नाम है पीरियडिक इंस्पेक्शन, पीरियडिक एग्जामिनेशन इन 24 आवर्स। इसको पीरियडिक इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं और एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। पीरियडिक एग्जामिनेशन इन 24 आवर्स, माइंस में 24 घंटा में कौन कौन से जांच किया जाता है और किस पर्सन द्वारा किया जाता है, उसको एक सिंपल ग्राफ में समझिए। पहला जो है एक्सप्लोसिव वैन, ओपन कास्ट माइंस में या अंडरग्राउंड माइंस में बारूद पहुंचाने के लिए जो वैन माइंस में आते हैं, वो सब वैन की जांच 24 आवर्स में किया जाता है। और कौन करते हैं? बाय ओवरमैन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है वाइंडिंग रोप का ड्राम से अटैचमेंट। माइंस हम लोग का शाफ्ट माइंस और इंक्लाइन माइंस होता है, शाफ्ट माइंस में वाइंडिंग से काम चलता है, तो वाइंडिंग रोप का ड्राम से जो अटैचमेंट होता है उसकी जांच भी 24 आवर्स में की जाती है। जांच करने वाला व्यक्ति कौन होता है? इंजीनियर या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन गियर, जहां पीठ माइंस चलता है वहां वाइंडिंग का सारा अरेंजमेंट सस्पेंशन गियर के थ्रू ऑपरेट होता है। उसमें लॉक केबल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होता है, सेफ्टी हुक होता है, डी लिंक चेन होता है, और एंड में आपका केज टंगा हुआ रहता है। उस पूरे फंक्शन को सस्पेंशन गियर करते हैं। उसके प्रत्येक पार्ट की जांच 24 आवर्स में किया जाता है बाय इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्सन। नेक्स्ट है केज एंड देयर डोर्स। पीट माइंस में आदमी का आना जाना केज में होता है, या मेटेरियल ट्रांसपोर्ट भी जो किया जाता है वो केज में किया जाता है, और उसके उसमें एक गेट लगा होता है, फेंसिंग लगा होता है, उसकी भी जांच कितना दिन में किया जाता है? 24 आवर्स में बाय सीपी एंड इंजीनियर। नेक्स्ट पॉइंट है वाइंडिंग इंजन की सभी ब्रेक। पीट माइंस में जो केज आना जाना करता है वो वाइंडिंग इंजन के द्वारा किया जाता है, इसलिए वाइंडिंग इंजन के जितने भी सभी ब्रेक है उस सब ब्रेक की जांच 24 आवर्स में की जाती है। उस सब ब्रेक की जांच 24 आवर्स में की जाती है बाई इंजीनियर या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हॉलेज इंजन। हम लोग का जो इंक्लाइन माइंस है उसमें लूज और हवेज जो किया जाता है वो हॉलेज के द्वारा किया जाता है, इसलिए हॉलेज इंजन की जांच 24 आवर्स में की जाती है। हॉलेज इंजन की भी जांच 24 आवर्स में की जाती है बाय इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां पॉइंट है डेप्थ इंडिकेटर। डेप्थ इंडिकेटर का काम क्या है कि आप जो पीट माइंस है, पीट माइंस में केज आपका कितने मीटर डेप्थ में है वो पता चलता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है शाफ्ट का, तो डेप्थ इंडिकेटर की भी जांच 24 आवर्स में किया जाता है बाय इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्सन। नेक्स्ट जो है हॉलेज की ब्रेक व्हील, हॉलेज में जो ब्रेक व्हील है या हॉलेज इंजन की भी जांच 24 आवर्स में की जाती है, हॉलेज की ब्रेक व्हील की जांच 24 आवर्स में की जाती है बाय इंजीनियर या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा। नेक्स्ट है वाइंडिंग ऑपरेटर्स का बाहरी पार्ट, वाइंडिंग का जो बाहरी पार्ट है वो सब पार्ट की जांच कितना दिन में किया जाएगा? 24 आवर्स में बाय इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्सन। इसमें वाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी जांच है वो ज्यादातर इंजीनियर या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है रोप एंड देयर अप्लाइंस, ये चाहे हॉलेज रोप हो या वाइंडिंग रोप हो, उस सब रोप की जांच 24 आवर्स में किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है एयर सैंपल इनफ्लेमेबल गैस मोर देन, अगर बोला जा रहा है कि अगर किसी माइंस में फ्लेम सेफ्टी लैंप द्वारा आप इंस्पेक्शन गैस जांच कर रहे हैं और गैस जांच में आपका मीथेन यदि 0.8% से ज्यादा होगा तो एयर सैंपल आपका कितना दिन में जांच किया जाएगा? 24 आवर्स में बाय सीपी। इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन ऐसा व्यक्ति होगा जो मिनिमम माइनिंग सर्टिफिकेट पास किया हो। 24 पीरियडिक इंस्पेक्शन 24 एग्जामिनेशन के बाद नेक्स्ट है पीरियडिक इंस्पेक्शन बाय 7 डेज। 24 आवर्स में जितना भी जांच होता है वो सब मैंने बता दिया। उसके बाद माइंस में जो 7 दिन में जितने तरह की जांच किया जाता है उसको आप नोट कीजिए। आप लोग माइंस में 7 दिन और 30 दिन में सबसे ज्यादा जांच किया जाता है। 7 दिन में जांच करने वाला पहला पॉइंट है साफ्ट इंक्लाइन
और अदर माइंस में शाफ्ट हो, इनक्लाइन हो या कोई भी अदर आउटलेट की है, वो सब की जांच 7 दिन में किया जाता है किसके द्वारा, बाय ओवरमैन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हॉलेस ट्रैक एंड सेफ्टी डिवाइस, माइंस में जो हॉलेस ट्रैक है और उसके सेफ्टी डिवाइस है वो सभी की जांच 7 दिन में की जाती है। हॉलेस ट्रैक और सेफ्टी डिवाइस, हॉलेजे में सेफ्टी डिवाइस होता है ताकि अगर मान लीजिए हॉलेस ट्रैक में अनकंट्रोल्ड अगर टब आपका दौड़ने लगे तो सेफ्टी डिवाइस उसको डिरेल करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, इंक्लाइन माइंस में दो एंट्रेंस होते हैं, एक शाफ्ट एंट्रेंस, सॉरी इंक्लाइन माइंस में दो एंट्रेंस होते हैं, आने जाने के दो रास्ते, एक हॉलेज एक ट्रेवलिंग। हॉलेज और ट्रेवलिंग दोनों रास्ते की जांच 7 दिन में किया जाता है। हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे की भी जांच 7 दिन में किया जाता है बाय ओवरमैन या सीपी, या तो ओवरमैन करेंगे या कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे। नेक्स्ट है ऑल एंट्रेंस इन ए माइंस, चाहे ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो, जितने भी तरह के एंट्रेंस है वो सभी की जांच कितने दिन में किया जाएगा, 7 दिन में किया जाएगा बाय एमएस, माइनिंग सरदार कर सकते हैं, ओवरमैन कर सकते हैं या कोई मैनेजर कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति इसकी जांच कर सकता है। नेक्स्ट है वाइंडिंग रोप, उसे मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकंड स्पीड में चलाकर, शाफ्ट में वाइंडिंग से ही आना जाना सब करता है तो वाइंडिंग जब नीचे जाता है तो उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड में करके उसको जांच किया जाता है। तो 1 मीटर पर सेकंड जो भी जांच किया जाएगा वो 7 दिन में किया जाएगा बाय किसके द्वारा, इंजीनियर या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइड या सिग्नल, आपका पिट माइंस हो, शाफ्ट हो या किसी भी माइंस में हो, आपका सिग्नल देने के लिए सिग्नलिंग सिस्टम होता है जिसमें आपका 1 घंटी 2 घंटी शाफ्ट में 1 से लेकर 4 रैप होता है, उस सभी सिग्नलिंग सिस्टम की जांच बाय 7 डेज में किया जाएगा किसके द्वारा, इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्सन। इसमें एक पॉइंट है गाइड, गाइड क्या काम करता है, गाइड का यूज होता है हम लोग का पीट माइंस में, पीट में जो केज होता है केज को मतलब स्थिरता बना रखने के लिए उसमें गाइड का उपयोग किया जाता है, तो अब गाइड होता है केज के नीचे, तो गाइड की जांच कितना दिन में किया जाता है वो भी 7 दिन में किया जाएगा बाय कॉम्पिटेंट पर्सन या सीपी। थैंक यू। नेक्स्ट में जो 7 दिन में जांच किया जाता है वो है ओपन कास्ट वर्किंग एंड सब्सिडेंस। सब्सिडेंस कब होता है, जब हम कहीं डिप्लेरिंग करते हैं और डिप्लेरिंग में मैनफॉल होता है तो सरफेस में क्रैक हो जाता है, उस क्रैक की जांच किया जाता है। क्रैक से आपका रिस्क यही होता है कि मान लीजिए क्रैक में अगर पानी बरसात हुआ तो बरसात का पानी अंडरग्राउंड में जा सकता है, और सभी ओपन कास्ट वर्किंग की जांच भी 7 दिन में ही किया जाता है। जांच कौन कौन कर सकते हैं, माइनिंग सरदार, ओवरमैन या फिर मैनेजर, ये सभी जांच कितना दिन में किया जाएगा, विद इन 7 डेज, एवरी 7 डेज में किया जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी हुक, पीट माइंस में जो केज जो सारा सस्पेंशन गियर से जुड़ा होता है, सस्पेंशन गियर का ही एक पार्ट है सेफ्टी हुक, जब ओवरवाइंड होता है तो सेफ्टी हुक से ही केज लटक जाता है, उसकी जांच भी कितना दिन में किया जाएगा, 7 दिन में। सेफ्टी हुक की जांच 7 दिन में किया जाएगा बाय कॉम्पिटेंट पर्सन या किसी इंजीनियर द्वारा। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सीओ, जहां डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिप्लेरिंग में जहां गोप में, गोप के किनारे में सीओ की जांच किया जाता है बाय आप चीफ इंस्पेक्टर द्वारा परमिटेड ऑपरेटर से कर सकते हैं या फिर अन्य ऑपरेटर से, सीओ ऑपरेटर से कर सकते हैं, तो सीओ की जांच में कितना दिन में करेंगे, 7 डेज में इन सीपी। सीपी का मतलब है ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन जिसने माइनिंग सरदार की परीक्षा पास की हो। नेक्स्ट है डिक्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो जनरली डिक्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट की जांच ऑन आइडल डे में किया जाता है, तो आपका जो आइडल डे आता है वो भी तो वीक में कोई एक दिन होगा, इसलिए अगर आपके एग्जाम में अगर डिक्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए और उसमें ऑप्शन है जैसे ऑन आइडल डे तो आइडल डे करना है, बट अगर आइडल डे का ऑप्शन नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, इन एवरी 7 डेज। ये भी डिक्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट की जांच कौन करता है, ओवरमैन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनेस्ट वर्किंग, इसमें भी समझने का फेरा है, अनेस्ट वर्किंग दो तरह का ही होगा, अगर अनेस्ट वर्किंग है डिग्री 2 डिग्री 3 या फायरिंग सेल में गैस के केस में तो उसकी जांच की जाएगी 7 डेज में। अनेस्ट वर्किंग में गैस की जांच की जाएगी 7 डेज में बाय ओवरमैन या मैनेजर, बट ऐसे अनेस्ट वर्किंग जिन्हें सील नहीं किया गया, जिसमें आने जाने की रास्ता इंट्रेंसेबल है और उसमें दारू का चिन्ह अगर पता करना है तो ऐसे अनेस्ट वर्किंग की जांच 30 डेज में किया जाएगा, जो इसके बाद में बताऊंगा 30 डेज वाली जांच में। नेक्स्ट है आइसोलेशन स्टॉपिंग, किसी भी डिक्लेरिंग में डिक्लेरिंग का काम पूरा हो जाने के बाद उसको आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाकर
सील किया जाता है। मैंने एक स्टॉपिंग का वीडियो बनाया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा तो आपका स्टॉपिंग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टॉपिंग का थिकनेस, लॉकिंग सब उसमें दिया गया है। आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच कौन करता है? 7 डेज में। आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाय 7 डेज कितना दिन में कौन कर सकते हैं? ओवरमैन या मैनेजर। नेक्स्ट जो 7 डेज में जांच किया जाता है वो है MMBA एंड PF। यहाँ BF का फुल फॉर्म बॉयफ्रेंड नहीं है, बूस्टर फैन है। MMBA का फुल फॉर्म है मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन ए माइंस, और BF का फुल फॉर्म है बूस्टर फैन। ये मैं वीडियो के एंड में लिख दूंगा इसको। MMBA किसको कहते हैं? सरफेस में जो पंखा बैठाया जाता है माइंस के वेंटिलेशन के लिए उसको MMBA कहते हैं, और बूस्टर फैन अंडरग्राउंड माइंस के अंदर बैठाया जाता है न्यूट्रल पॉइंट के जगह पर। इसका भी जांच कितना दिन में करते हैं? बूस्टर फैन और MMBA की जांच भी 7 डेज में किया जाता है बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। इसके द्वारा ना कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। माइंस में जितने भी तरह के ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में मशीनरी है उस सब की जांच विद इन एवरी 7 डेज में किया जाता है। इसके द्वारा या तो इलेक्ट्रिशियन या फिर किसी इंजीनियर द्वारा। नेक्स्ट है फेंसिंग। फेंसिंग एंड FSL। FSL का फुल फॉर्म है फ्लेम सेफ्टी लैंप। चाहे फ्लेम सेफ्टी लैंप हो या फेंसिंग, दोनों की जांच कौन करता है? बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। कितना दिन में? विद इन 7 डेज के अंदर। फेंसिंग कहां पर करते हैं? जैसे मान लीजिए सरफेस में सब्सिडेंस हो गया तो उसको फेंसिंग करते हैं। अंडरग्राउंड में डिसयूज्ड गैलरी है या फिर मिसफायर गैलरी है तो वहां पर हम लोग फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग के भी अलग अलग टाइप्स है। एक फेंसिंग का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फेंसिंग का सारा डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट एयर सैंपल। इफ इनफ्लेमेबल गैस बोरा 0.6% से ज्यादा लेकिन 0.9% से अधिक नहीं। मान लीजिए किसी अंडरग्राउंड माइंस में अगर सैंपल लिए आप, सैंपल में आपका CH4 अगर 0.6 से ज्यादा है लेकिन 0.8 से अधिक नहीं है तो इसमें कितना दिन में जांच किया जाएगा एयर सैंपल का? विद इन 7 डेज। इसमें 3 गो केस दिया है, एक 24 घंटा, एक 7 दिन, एक 30 दिन। वो तीनों आपका इस आने वाले चार्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है डस्ट रेस्पिरेटर। डस्ट रेस्पिरेटर का काम वहां पर किया जाता है। अगर मान लीजिए माइनिंग का किसी ऑपरेशन से सारा अरेंजमेंट करने के बाद भी अगर डस्ट आपका कंट्रोल नहीं होता है तब हम लोग को ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा डस्ट रेस्पिरेटर दिया जाता है। तो डस्ट रेस्पिरेटर की जांच कितना दिन में किया जाता है? 7 डेज में। किसके द्वारा? बाय CP। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गोफ। गोफ तो आप लोग समझते हैं कि डिक्लेयरिंग में जब सारा कोयला निकाल लेते हैं वो जो वैकेंट एरिया होता है उसको गोफ कहते हैं। तो गोफ की भी जांच कितना दिन में करते हैं? 7 डेज में। किसके द्वारा? ओवरमैन या मैनेजर। वैसे तो बुक में रेगुलेशन 167 में आपका CP लिखा रहता है लेकिन आप 167 के साथ साथ आप रेगुलेशन 247 देखिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन ही गोप की जांच कर सकते हैं जिसने ओवरमैन या मैनेजर की परीक्षा पास की हो। 7 डेज में जांच करने वाले और दो को लास्ट है एक ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस एंड आदर वाहन एक एक करके उसको टॉप मोस्ट लैंडिंग से लास्ट कंट्रोल पॉइंट था। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस ये शाफ्ट में लगाया जाता है। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का काम क्या होता है कि आपको केज को ओवर स्पीड और ओवर ही को रोकता है, ओवर स्पीड होने से रोकता है, और केज को जहां पर रखना होता है वहां स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस की जांच भी कितना दिन में किया जाता है? 7 डेज में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ना CP के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी जो 7 डेज में जांच किया जाता है वो है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजिन। वाइंडिंग इंजिन का एक्सटर्नल पार्ट की अगर जांच की जाती है तो किसके द्वारा की जाएगी? इंजीनियर या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, और कितना दिन में किया जाएगा? विद इन 7 डेज। 7 डेज के जांच के बाद नेक्स्ट जो पीरियडिक इंस्पेक्शन है वो 14 डेज में किया जाता है। माइंस में 14 डेज में कितने तरह के जांच किया जाता है वो मैं इस ग्राफ में समझा रहा हूँ। हवा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ एयर। अगर degree 2 या degree 3 माइंस है उसमें अगर हवा की मात्रा की जांच की जाएगी तो कितना दिन में किया जाएगा? 14 डेज में किया जाएगा। किसके द्वारा? CP द्वारा। CP का मतलब इसमें ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए जिसने माइनिंग सरकार की परीक्षा पास की हो। नेक्स्ट है रिवर की जांच। रिवर की जांच भी दो टाइम्स में किया जाता है। अगर नदी की जांच अगर रेनी सीजन में करते हैं तो उसकी जांच कितना दिन में किया जाएगा? 14 डेज। बट अगर नॉर्मल सीजन में किया जाएगा
रिवर की जांच अगर नॉर्मल सीजन में किया जाएगा तो 30 डेज में किया जाता है। इसमें क्या है रिवर इन रेनी सीजन, अगर रिवर की जांच रेनी सीजन में करना हो तो कितने दिन में किया जाएगा 14 डेज बाय सीपी। नेक्स्ट है टॉप के बफर ड्रॉबार सेफ्टी कैच और कपलिंग चैन, ये सब हॉलेज से रिलेटेड ही है, जिसमें टॉप का कपलिंग चैन, टॉप के जिसमें कोयला रखा जाता है उसके ड्रॉबार, ये सभी की जांच कितना दिन में किया जाएगा 14 डेज में, किसके द्वारा कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा। नेक्स्ट जो है आपका है एयर क्रॉसिंग, एयर अवे, वेंटिलेशन डोर, वेंटिलेशन स्टॉपिंग एंड रेगुलेटर ATC, ये जितने भी वेंटिलेशन अप्लायंस है ये सभी की जांच 14 डेज में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाएगा, वैसे ये जो दिया हुआ है एयर क्रॉसिंग, एयर अवे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ये एज पर रेगुलेशन 159 में दिया हुआ, जिसमें आपका दिया हुआ है कि वेंटिलेशन स्टॉपिंग ये सभी की जांच 14 डेज में बाय सीपी के द्वारा किया जाएगा। बट इसमें आप रेगुलेशन 247 देखिएगा तो उसमें ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन ही जांच कर सकते हैं जिसने ओवरमैन या मैनेजर की सर्टिफिकेट जिसके पास हो। पीरियडिक इंस्पेक्शन के बाद ना लास्ट जो पीरियडिक इंस्पेक्शन है ये 30 डेज में, माइंस में 30 डेज में कौन कौन सी जांच की जाती है, जिसमें पहला पॉइंट है वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप इसमें पहला पॉइंट है वाइंडिंग रोप, इसमें मैक्सिमम स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड, इसमें हम दो चीज बोले थे, एक 1 मीटर पर सेकंड था, एक 0.5 था, 1 मीटर पर सेकंड वाला 30 डेज है और 0.5 मीटर पर सेकंड वाला जो वाइंडिंग रोप को केज के साथ 0.5 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड में चलाकर नीचे उतारा जाता है तो उसकी जांच कितना दिन में किया जाएगा 30 डेज में, इसके द्वारा इंजीनियर या सीपी द्वारा। नेक्स्ट है डिटेचिंग बेल या प्लेट, ये भी शाफ्ट से रिलेटेड है, उसकी भी जांच कितना दिन में किया जाएगा 30 डेज में किया जाएगा, किसके द्वारा सीपी या इंजीनियर द्वारा। नेक्स्ट है ग्राउंड स्लैशिंग, नेक्स्ट जो है रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस पर मीटर क्यूब एयर, पर मीटर क्यूब, ये है एज पर रेगुलेशन 133, उसमें माइंस में गैस निकलने की दर कितना दिन में जांच किया जाएगा, वो भी 30 डेज में, किसके द्वारा ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम्स रेशियो, ग्राम्स रेशियो का मतलब क्या होता है, जिसमें CO प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लोग ग्राम्स रेशियो कहते हैं। ग्राम्स रेशियो से हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बारे में जांच करते पता कर सकते हैं। ग्राम्स रेशियो की जांच कौन करता है, सीपी, इसमें सीपी ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिसने माइनिंग सरदार की परीक्षा पास की हो। नेक्स्ट है रिवर, हमने पहले भी बोला था कि रिवर का जांच करने का दो गो केस है, अगर रेनी सीजन में करेंगे तो 14 डेज में जांच किया जाएगा, अगर नॉर्मल सीजन में किया जाएगा रेनी सीजन को छोड़कर तो उसमें नॉर्मल सीजन में कितना दिन में जांच होगा रिवर की 30 डेज में जांच किया जाएगा, किसके द्वारा बाय कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग, माइंस में जो डस्टिंग किया जाता है उसको जोन में बांटा जाता है और जोन के बाद सब जोन में बांटा जाता है, तो जोन में जो डस्ट सैंपलिंग लिया जाता है जोन में जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग लिया जाता है वो 30 डेज में लिया जाता है, किसके द्वारा बाय सैंपलिंग इंचार्ज के द्वारा। नेक्स्ट जो है माइन एयर सैंपल रेगुलेशन 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, उसमें माइन एयर सैंपल कितना दिन में लिया जाएगा 130 डेज, किसके द्वारा ना ऑनर एजेंट और मैनेजर द्वारा 30 डेज में। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, माइंस का ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कितना दिन में नापा जाएगा वो भी 30 डेज में नापा जाएगा, किसके द्वारा बाय सीपी। नेक्स्ट है हवा की मात्रा की जांच, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हवा की मात्रा की जांच, मैंने इसका दो को पॉइंट समझाया, अगर डिग्री 2 या डिग्री 3 माइंस है तो उसमें हवा की मात्रा की जांच 14 डेज में किया जाएगा, बट अगर डिग्री 1 माइंस है या फिर नॉन फायरिंग माइंस हो, मतलब डिग्री 1 माइंस हो, तो उसमें हवा की मात्रा की जांच कितना दिन में किया जाएगा 30 डेज में, किसके द्वारा बाय सीपी। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग का जितना भी इक्विपमेंट है उस सब की जांच कितना दिन में किया जाता है 30 डेज में, किसके द्वारा बाय सीपी द्वारा, और उसको जितने बार जरूरी है उसको खाली करके फिर से भरा जाता है। नेक्स्ट है थ्रोली एग्जामिनेशन ऑफ डस्ट रेस्पिरेटर के भी जांच दो बार किया जाता है, नॉर्मल अगर डस्ट रेस्पिरेटर की जांच किया जाएगा तो 7 डेज में किया जाएगा, बट उसको थ्रूली एग्जामिनेशन किया जाएगा, अच्छे से खोल खाल के
तो 30 डेज में क्या जाएगा, किसके द्वारा, बाय सीपी द्वारा। नेक्स्ट है एयर सैंपल, जिसमें सीएच पर मतलब इनफ्लेमेबल गैस 0.6% से कम हुआ। मैंने गैस एयर सैंपल का तीन को बताया है, एक 24 आवर्स, एक 7 डेज और एक 30 डेज। अगर आपका सीएच पर सैंपल लेने के बाद 0.6% से कम हो तो एयर सैंपल कितना दिन में लिया जाएगा, 30 डेज में लिया जाएगा। 30 डेज के बाद माइंस में जो पीरियडिक इंस्पेक्शन 3 मंथ में किया जाता है, उसका माइंस में 3 मंथ में क्या क्या जांच किया जाता है उसको आप लोग समझ लीजिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टोन डस्ट, माइंस में कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन और पायडम एक्सप्लोजन को रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर बनाया जाता है। स्टोन डस्ट के ऊपर, स्टोन डस्ट बैरियर के ऊपर जो स्टोन डस्ट रखा जाता है उसे एवरी 3 मंथ में बदल दिया जाता है। तो स्टोन डस्ट का स्पेसिफिक कितना दिन में चेक किया जाएगा, 3 मंथ में, किसके द्वारा, डस्ट इंचार्ज के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सप्लोडर, आप लोग सभी जानते हैं माइनिंग के जो स्टूडेंट है कि एक्सप्लोडर का क्या काम है। एक्सप्लोडर का थ्रूली जो जांच किया जाता है वो एवरी 3 मंथ में किया जाएगा, किसके द्वारा, बाय सीपी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव मेजर इन रिवर, मैंने पहले भी बोला था कि रिवर का तीन गो केस है। अगर नॉर्मल सीजन में रिवर की जांच की जाएगी तो 30 डेज में किया जाएगा, अगर बरसात के सीजन में अगर रिवर की जांच की जाएगी तो 14 डेज में किया जाएगा। लेकिन नदी के जो सुरक्षात्मक उपाय है, प्रोटेक्टिव मेजर जो है, उसकी जांच एवरी 3 मंथ में किया जाता है, किसके द्वारा, बाय कोलियरी मैनेजर द्वारा। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक कंट्रीबेंस टू लैंडिंग डिसेंडिंग केज एट एक्सेसिव स्पीड। ऑटोमेटिक कंट्रीबेंस का क्या काम है, आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि ये केज के ओवर स्पीड को रोकता है और जहां पर केज को आपको स्थिर करना है वहां पर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होने देता है। तो उसको एक्सेसिव स्पीड में नीचे उतारने के लिए जो जांच की जाती है उसको 3 मंथ में जांच किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाएगा, बाय सीपी और इंजीनियर। नेक्स्ट 3 मंथ में जो आखिरी पॉइंट है वो है एमएमवी का एफिशिएंसी। एमएमवी का फुल फॉर्म है मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन ए माइंस। एमएमवी जो पंखा है सरफेस में जो बैठाया जाता है उसका एफिशिएंसी ज्ञात किया जाता है, कितना दिन में ज्ञात किया जाएगा, एवरी 3 मंथ में ज्ञात किया जाएगा, किसके द्वारा, बाय वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा। जो आखिरी जांच है पीरियडिक इंस्पेक्शन इन 12 मंथ में एक ही जांच है माइंस में, इंटरनल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन। वाइंडिंग इंजन का जो इंटरनल पार्ट है उसकी जो जांच की जाएगी वो एवरी 12 मंथ में, साल में एक बार की जाएगी, किसके द्वारा, सीपी या इंजीनियर के द्वारा। लेकिन इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, अगर ऑप्शन में 12 मंथ और 1 ईयर दिया है तो आपको 1 ईयर नहीं करना है, हमेशा 12 मंथ करना है। अगर मेरा एग्जामिनेशन का वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इससे माइनिंग रिलेटेड मोर MCQ क्वेश्चन और टॉपिक पर वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।